लोकसभा चुनाव में बयानबाजी बेहद तीखी होती जा रही है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर जब बीजेपी ने सवाल किए तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था। राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को घेर लिया। उन्होंने कहा, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर में हुई रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा था। पीएम के भाषण को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया था कि बीजेपी इस बार के चुनाव में 180 सीटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी और इसी के चलते वो फिर से घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रही है।